कतार में खड़ा कर दिया है कविता जी। हालत यह है कि एक आदमी रात के 8 बजे उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बच्चे ने झांक के माँ से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए हैं। तो माँ ने कहा बेटे गौर से देखो तुम्हारे पापा होंगे, नोट बदलवाने गए थे, 6 दिन बाद लौटे हैं, दाढ़ी बढ़ गई। ये हालत पैदा करके रख दी साहब, कतार खत्म ही नहीं होती रही बहुत दिनों तक। एक आदमी गांव में खड़ा था लाइन में तो उसका दोस्त पड़ोस से गुजर रहा था, उसने कहा बैंक तो शहर में है, तुम गांव में क्या कर रहे हो? उसने कहा बैंक तो शहर में है लेकिन लाइन गांव तक आ गई है, मैं लाइन में ही खड़ा। ये हालत करके रख दिया साहब। तब मैं मिसरा पढ़ता हूं और अगर सच्चे लगे और ऐसा लगे कि मैंने आपके दिल की बात कह दी है, मन की नहीं कह रहा हूं, दिल की बात कह दी हो तो आपके दुआएं मिले, क्योंकि मन की बात पे तो किसी और ने कॉपीराइट करवा लिया है। मैं पढ़ता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो है। अगला मिसरा सच्चा हो तो यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठ जाए, मैं हिम्मत करता हूं साहब। तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो है। ज़कात देते हैं हम काला, काला धन नहीं रखते। अब चचा शायद उनकी मोहब्बतें शामिल हैं, बुजुर्ग हैं, आ जाए आ जाए, आप आ जाए, मोहब्बतें आपकी मैं उसे दिल से कबूल करता हूं। चाचा की मोहब्बतें हैं, उनकी दुआएं हैं, मैं सलाम करता हूं उन्हें। आप बिल्कुल मेरे वालिद की तरह हैं, वो वालिद से भी बढ़के मैं तो कहूं दादा की तरह हैं। तो उनकी मोहब्बतें मिली हैं मुझे, इसका शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी मोहब्बतें मेरी ताकत हैं, मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर आपका दर्द गाता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि अपने घरों में बैठी हुई तमाम माएं, तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं जो मेरे लिए नमाजों में दुआएं करते हैं, शायद मैं इसलिए गा लेता हूं उनका दर्द। बहुत शुक्रिया आपका। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। चाय का बड़ा जिक्र हुआ है, चाय ने बड़ा परेशान किया है हमारे शायरों को भी, इस मशारे को भी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, बड़ी हल्की फुल्की सी बात है लेकिन अच्छा लगेगा आपको, और मेरा ख्याल है कि कविता जी का पहला एक्सपीरियंस होगा किसी मशारे में इस तरह से बैठना। जागृति संस्था को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने मशायरे के लिए एक पूरी रात खर्च की है। तो अब उन्हें सीधे सीधे गालिब की शायरी सुनाई जाए तो वो समझ भी नहीं पाएंगी। मुझे लगता है कि शुरुआत हम जैसे बच्चों से हो, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह अच्छी शायरी भी समझने लगेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब के। चाय चाय करते 2014-2016 बीतते बीतते टोन बदली कैसे है साहब? जो टोन बदली है मैं उसे बस 4 मिसरे में पिरो देता हूं और अगर सच्चे लग जाए तो आपकी दुआएं मिल जाए मुझे। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते चाय चाय करते थे। भाइयों बहनों, भाइयों को कुछ मत बोलो,
मुझे गोली मार देना, मैं इसलिए बोलता हूँ साहब कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय जब से, हाय हाय करते हैं। वो वहां खड़े होकर बोलते हैं, मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, और आपकी दुआएं शामिल होंगी तो इंशाल्लाह ये मिसरे कबूल जरूर होंगे। मेरे दिल की दुआ है और बहुत सच्चे से मिसरे हैं कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, कि ढाई साल बाकी है आने दो जरा उन्नीस। क्या मैं सच बोल रहा हूं? कि ढाई साल बाकी है आने दो जरा उन्नीस, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इस मोहब्बत से सुन रहे हैं आप, इसी तरह सुनते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और बस थोड़ा सा इधर के भी दोस्तों की शिरकत हो जो लेफ्ट वाले लोग हैं। जिस तरह आजकल देश की संसद में लेफ्ट वाले चुप रहते हैं, वैसे आप भी चुप हो गए हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा आप सब भी बोले। राइट विंग तो बोल ही रहा है, लेफ्ट वाले थोड़ा सा आप एक मतलब दुआएं दें, क्योंकि आपकी तालियां, हाँ हाँ आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जयाप्रदा, तो ठीक ठाक से बजेगी तो मैं कुछ और बेहतर सुना सकूंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये जो नई नस्ल है, ये पिछले 2-3 सालों में सोशल मीडिया ने इसे इतना खूबसूरत बनाया है कि ये बोलने लगी है, अपनी बात रखने लगी है, अपनी आवाज उठाने लगी है, तो इस हौसले को भी सलाम, इसे और कलेक्टिव करके दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। मैं एक नज्म आपको सुनाना चाह रहा हूं जिसकी फरमाइश भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं वो सुनाऊं, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप बड़े बहुत गंभीर गंभीर शायरी सुनी आपने, बड़ी शायरी सुनी आपने, मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का करता हूं आपको, फिर कुछ इंशाल्लाह आपके जज्बातों से जुड़ी हुई बातें करूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारे देश में एक बाबा है, बंदा दुनिया की हर बीमारी का इलाज का दावा करता है लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप कह रहे हैं कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। 4 मिनट बोलता हूं। असलम भाई पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा के पीस एम्बेसडर है वो उन्होंने एक बयान दिया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती है। जैसे उन्होंने ये बात कही, उनके पड़ोस में खड़े पीए ने उनसे कहा कि बाबा जी ये क्या बोल गए, आप गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैंपू का बिजनेस है उसका क्या बोल रहा है। बाबा जी समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मैंने सोचा मैं एक मासूम सा सवाल उनके सामने उछालूं, ये जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। अब उठे आपका हाथ पीछे तक, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार, सलवार किसकी थी जो नफरत के सबब उठी थी वो
ललकार किसकी थी। बहुत शुक्रिया। एक बच्चा पैदा हुआ हिंदुस्तान में, हैदराबाद में खड़ा हूं तो मुझे लग रहा है कि करीना कपूर और सैफ अली खान को मुबारकबाद जरूर दी जाए खूबसूरत से बच्चे के लिए। लेकिन बड़ा बवाल मचा साहब, ऐसे ऐसे ट्रोल बिठा दिए गए हैं सोशल मीडिया पे जो ये तय करते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, और हद तो ये है कि बच्चों का नाम क्या रखना है ये वही तय करेंगे, वरना आपको गालियां दी जाएंगी, आपको गद्दार साबित कर दिया जाएगा। एक दिन के मासूम से उस बच्चे की तस्वीर आई, करीना कपूर को आप सबने देखा होगा, कुछ लोगों ने सामने से देखा होगा, कुछ लोगों ने निहार निहार के देखा होगा, तो कुछ बुजुर्गों ने छुप के भी देखा होगा, इसमें कोई दौड़ा नहीं। मतलब डर भी घर में, घरवाली का डर भी अपने आप में बड़ा कमाल का होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक साहब ने अपनी बीबी से कहा कि आज मैं सलीम भाई के घर नहीं जा सका। तो बीबी ने कहा क्यों नहीं जा सके? तो उन्होंने कहा वो अपनी तीसरी बीवी के जनाजे में बुला रहे थे, मैं आज तक एक में भी नहीं बुला सका, तो किस मुंह से जाओ। तो ये साहब डर भी कोई चीज हुआ करती है। जो तस्वीर आई और बवेला इस बात पे मचा था कि बच्चे का नाम तैमूर रख दिया गया, पूरी दुनिया ने ये बताया कि तैमूर तो बहुत जालिम बादशाह था, तो उसका नाम रखने पे वैसी फीलिंग आ रही है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि नफरतें मुल्क में कहां आ गई हैं। अब नाम रख देने भर से ये तय हो गया कि बच्चे का किरदार क्या होगा। अगर नाम से ही सब कुछ असर पड़ता है तो साहब निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए? राम नाम रखना बंद कर दिया जाए? राम तो कितना खूबसूरत नाम है साहब। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। मैं उस बच्चे की तस्वीर देख रहा था, करीना ने उसे अपने गोद में ले रखा था, और ये मेरे जहन में चार मिसरे आते, बड़ा प्यारा सा मासूम सा बच्चा वो। मैं पढ़ता हूं साहब के बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े हो करके तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। एक नज्म जहां तक मैं आपको पहुंचाना भी चाह रहा हूं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अमेरिका जाने पर फेसबुक के ऑफिस में जा करके मां को याद करके रोने वाला शख्स, पाकिस्तान जाने पर नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छू करके साड़ियां भेंट करने वाला शख्स, हिंदुस्तान आता है तो दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर दादरी में उसे अखलाक की रोती हुई मां नजर क्यों नहीं आती? उसे अपने 7RCR के पड़ोस में 4 किलोमीटर दूर JNU के कैंपस में बैठ के रोती हुई चीखती हुई एक मां नजर क्यों नहीं आती? मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, फिर एक नज़्म आपको सुनाऊंगा साहब। क्यों फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हाथ से के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। यहां लोग बच्चे दूध को तरस रहे थे, हम सब्जियां नहीं खरीद पा रहे थे साहब, और वो जापान में खड़े होकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है भाइयों बहनों, यकीनन देश बहुत दुआएं दे रहा है। दुआओं वाले ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे हैं साहब कि अगर वो सुन लें तो उनके कान के पर्दे फट जाए ऐसे। लेकिन पता नहीं उनके आसपास कौन लोग हैं जो अहमकाना फैसला करवा रहे। कविता जी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कौन लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पेटीएम करो,
डीजल भराओ तो मोबाइल से पेटीएम करो, पेट्रोल भराओ तो मोबाइल से पेटीएम करो। मेरे पास पिछले 7-8 साल से गाड़ियां हैं, मैं भराने के लिए जब कभी पेट्रोल टंकी पे जाता हूं तो मैं लिखा देखता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, विस्फोट हो सकता है। पेटीएम करो, हद है जाहिल बने की। मैं इतना नजराता हूं आपके साथ के जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी शख्स का विरोधी हूं, उसकी मुखालफत करता हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि एक मशारा है और उसमें कविता जी के सरपरस्ती में ये मशारा है और महमूद साहब उसके मेहमान बन के बैठे हैं। अपने आप में गंगा जमुनी तहजीब दिखाई पड़ रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तमाम हैदराबाद जैसे शहर में जो उर्दू का आप कह सकते हैं कि काशी है काबा है, उस शहर में मुझे अच्छा लग रहा है कि उर्दू के इस मशारे में बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और हिंदी का स्टूडेंट खड़ा होकर के आपकी बातें कर रहा है, आपका दर्द गा रहा है। जरूरत है मुल्क को ऐसे मंजरों की। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नज्म पढ़ रहा हूं। बड़ा मुश्किल है साहब, क्योंकि मीडिया ने अपने रोल तय कर लिए, उसने अपनी एक लाइन खींच ली है, वो वही दिखाएगा वही चलाएगा जो ऊपर से बोला जाएगा। ऐसे में कुछ जगह बची हैं जहां सच की उम्मीद बंधती है। कविता जी, आप एक बहुत बड़े घराने से आती हैं, आपके पिताजी ने 14 साल का संघर्ष किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे राम ने 14 साल का वनवास झेल करके तेलंगाना को हासिल किया, इसलिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद। आपके पिता के संघर्षों के किस्से, उनके उनके त्याग के किस्से, मैं सीधे से हिंदी में बात कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में बाकायदा इसकी नजीर दी जाती है, इसकी मिसाल दी जाती है कि अगर सच में कुछ करना चाहते हो और जज्बा दिखाना चाहते हो तो केसीआर साहब की तरह अपने मांग के लिए आड़ जाओ, बदलाव होके रहेगा, हुकूमतों को झुकना पड़ेगा। सलाम है उनको और उनकी जो सोच है, जो हिंदुस्तान का खूबसूरत सताना बाना है कि तमाम मजहबों के तमाम धर्मों को मानने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, सबको बराबर के चश्मे से देखा जाए, ये शायद बहुत कम जगहों पे है, शायद नहीं है, आपके यहाँ है, इसलिए आपको मुबारकबाद। और ये तारीफ मैं इसलिए भी कर रहा हूँ साहब कि मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरों में मशारे में जाता हूँ, मेहमान खुसूसी के तौर पर। कोई सांसद, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा नेता आता है, शमा रोशन करता है, फीता काटता है, चला जाता है, क्योंकि हम शायर हैं, हम शायर समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा है। कुछ ना कुछ बात तो है। सलाम है आपको, पहली बार मिला हूं मैं, पहली बार कहानियां किससे सुनता था, लेकिन मुलाकात हुई। लेकिन आपकी सादगी के लिए भी आपकी बहुत तारीफ। हम तो ऐसे सूबे से आते हैं जहां बहन जी कभी हुआ करती थी और यहां, लेकिन जो सादगी आप में है वो लग रहा है सच में कि हम तेलंगाना में क्यों नहीं पैदा हुए या तेलंगाना उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है। सुनाता हूं साहब के जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। हैदराबाद वालों, नोटबंदी के 35-36 दिन तक 500 की पुरानी नोट से पेट्रोल बिकता रहा, डीजल बिकता रहा, लेकिन अनाज नहीं बिका, दूध नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और दूध किसानों का है, किसानों के लिए कोई जगह नहीं है। समझिएगा, ये जो चश्मा है, ये जो खुमारी है, ये जो भक्ति है, मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि उससे उभरिए। कब 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक मोटा तगड़ा आसामी बाहर चला जाता है आपको खबर नहीं होती और आप लगे हैं माला जपने में। मैं पढ़ता हूं साहब के जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए
लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। याद है उस दिन वाला, जो वो रात के 8 बजे टीवी स्क्रीन काली हुई और चेहरा नमूदार हुआ, उसने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 का नोट रत्ती है, कागज का टुकड़ा है, तैयारियां भी कैसे करी। पहले थल सेना अध्यक्ष को बुलाया, वायु से तीनों फोर्सेज के जो सुप्रीम थे उनको बुलाया। मुझे ऐसे लगा कि कहीं अटैक तो नहीं करने जा रहे किसी मुल्क पर, लेकिन उन्हें अटैक ही करना था, और वो अटैक किसी मुल्क पर नहीं बल्कि गरीबों की जेब पर था साहब, और वो किया उन्होंने। तब मैं नज्म पढ़ता हूं और कहा कि अगर ये फैसला आपको गलत लगे तो 50 दिन पूरे हो तो फांसी पे लटका देना जिस चौराहे पे चाहना। मैं अपने चौराहे पे दिन भर इंतजार करता रहा, लेकिन मैं बोलता हूं कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत सी रंगीन सी शॉल इस बार आई है। अच्छा वो 2000 की जो तो, नहीं इसलिए तो मैंने खूबसूरत लगाया भाई, पहले ही लगा दिया खूबसूरत। अच्छा वो जो 2000 की नोट भी है साहब, वो रंग छोड़ती है। हमारे पड़ोस में कई हमारे जो बड़े बुजुर्ग थोड़े से मस्त से भाईजान हैं, उनको मार भी खानी पड़ी घर पर। हुआ ये कि उन्होंने होंठ से थूक लगा करके 2000 की नोट कई बार गिन ली, घर वापस लौट के गए तो होंठ गुलाबी गुलाबी था, भाभी ने कस के पकड़ी, उन्होंने कहा लेकिन मेरा अपना मानना है साहब कि वो जो 2000 की नोट रंग छोड़ रही थी उसमें से जो लाल रंग निकल रहा था वो रंग नहीं था, वो मरे हुए 125 लोगों का लहू था जो उस नोट में उतर आया था साहब। मैं पढ़ता हूँ कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहेब बड़ा दयालु है, भक्तों को लगता है कि साहेब बड़ा दयालु है। और एग्जाम्पल भी कैसे कैसे दिए, मतलब देशभक्ति की ऐसी चाशनी कि आप कतार में खड़े हैं, प्यासे हैं, मर रहे हैं, भूख से परेशान है, लेकिन लोग जाके कहेंगे कि देश की सरहद पर जवान खड़ा रह सकता है कई कई दिन, तो आप कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते। और आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आपको लगता था कि देशभक्ति की बात आ गई, लेकिन हैदराबाद तो अजीब है, यहाँ का एक आदमी मिलिट्री में था, रिटायर होकर लौटा था, लाइन में खड़ा था, एक भक्त ने आके कहा कि क्यों परेशान है, सरहद पर सेना का जवान कई कई दिन लाइन में रहता है, आप कतार में नहीं ले सकते। उसको गुस्सा आया, उसने पलट के 10-20 लात मारा, तो उन्होंने कहा भाई आप तो मारपीट में उतारू हो गए। तो उसने कहा कि अगर सेना का जवान सरहद पर कई कई दिन खड़ा रहता है और अपने सीने पे गोली खा लेता है देश हित में, तो तुम देश हित में 10-20 लात भी नहीं खा सकते। मिसरे पढ़ता हूँ कि 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के खाबों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, कितनी मशक्कतों से छुपा छुपा के अम्मी रखा करती थी। अच्छा वो बंदा रिश्तों का इस्तेमाल कैसा करता है, जब उसे लगा कि घिर गए वो नोटबंदी के मुद्दे पे घिर गए, तो उन्होंने अपनी 97 साल की बूढ़ी माँ को कतार में खड़ा कर दिया कि जाइए और मुझे बचाइए। मुझे कभी कभी लगता है कि उनसे कहना चाहिए कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर,
पहले ही जज्बात नहीं है, खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीजा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। पाकीजा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। जब मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है, 100 से ज्यादा मौतों की अब किसकी जिम्मेदारी है, 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है, लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, आप ताली बजा सकते हैं, नज्म खत्म हो चुकी है। मैं आखिर में एक नज्म भाई 3 मिनट को सुना के अपना सफर पूरा करूंगा। हाँ हाँ, मैं देखिए ये जो इसके नीचे जो शॉल है वो इतनी खूबसूरत है कि इसके ऊपर अब किसी शॉल की जरूरत मुझे नहीं समझ में आती, और ये ऐसा रंग है जो जिसपे चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं, मैंने ऐसा सुना है। ये केसीआर साहब का रंग है, ये तेलंगाना की खूबसूरती का रंग है, तो मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर और कोई शॉल उड़ाई जाए तो फिर अच्छी बात है, वो उसमें आपकी मोहब्बतें शामिल है, मैं उसे सहेज के रख लूंगा। आप इतना दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर कहीं मौका काम पड़े तो मतलब इतने सारे शॉल का तो इस्तेमाल आखिरी लम्हे के लिए भी किया जा सकता है। मैं नज़्म सुनाता हूं साहब, हाँ मैं मदरसा भी सुना दूंगा, मैं हम मुसलमान भी सुना दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको, हाँ मेरे दिल से जुड़ी हुई एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, जिसे मैं पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जा करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसे पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कैसी रोती हुई माँ से मिलकर के आपके बीच आया हूँ कि मैं जिसका दर्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। कविता जी, JNU जैसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में MA साइंसेस का स्टूडेंट एक लड़का जो महज एडमिशन लेकर के जब हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए आता है तो उसे कुछ लफंगे पीटते हैं और पीटते हुए कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। दूसरे दिन 11 बजे से वो लड़का गायब है और उसकी 60 साल की बूढ़ी माँ कभी दिल्ली के जंतर मंतर पर, कभी इंडिया गेट पर, कभी JNU के एड ब्लॉक पर, तो कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर चीख चीख करके ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं नजीब का दर्द आपके सामने गाना चाहता हूं। जिस दिन मैं मिला उस माँ से तो मुझे ऐसा लगा कि इस माँ की जगह अगर मेरी माँ होती तो, नजीब की जगह कोई इमरान होता, कोई अशोक होता, कोई अनिल होता, कोई इरशाद होता तो। लेकिन अब तो माओं के आंसुओं को भी मजहबों का चश्मा ओढ़ा दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े प्रोमिनेंट न्यूज चैनल के जो एंकर्स हैं उन्हें उस माँ के आंसू नजर नहीं आ रहे, मिनिस्टर्स को उस माँ के आंसू नजर नहीं आते। माँ के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता, माँ के आंसू तो सिर्फ आंसू होते हैं। क्यों नहीं समझ पा रही हो तुम? मैं उसको सुनाता हूं, मेरे उस दर्द के एहसास तक पहुंच सकिएगा तो। हिंदुस्तान के तमाम शहरों में मैंने इस नज्म को पढ़ा है, 100 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, उस बच्चे का कोई पता नहीं है। एक बड़ी अजीब सी जगह है, मैं यूं कहूं कि ये ऐसी जगह है कि यहां खड़े होकर के बातें कही जाए तो बड़ा असर रखती हैं। दुआ करता हूं कि आज यहां पढ़ूं, फिर नजीब मिल जाए, फिर कभी इस नज्म को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं उम्मीद के साथ भी इस नज्म को पढ़ रहा हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली,
सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये तुमा कह रही है, के नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये तुमा कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साथ, बहुत रोया।